Hello guys, this is Binita Verma. I welcome you all to my channel English Winglish by Binita Verma. Guys, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए. इस वीडियो में जो भी एक्शंस दिखाए गए हैं उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं एक्शन वर्ब्स. वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और बिना वर्ब के अंडरस्टैंडिंग के आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हैं. इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्शन वर्ब्स होते क्या हैं और इसकी दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज कौन सी है. अगर आप भी इस बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें. तो देर ना करते हुए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्शन वर्ब्स होते क्या हैं. एक्शन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे हमें किसी एक्शन का या किसी कार्य के होने का पता चलता है, जैसे कि चॉपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, रनिंग. ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं. अब आते हैं एक्शन वर्ब्स की दो बड़ी कैटेगरीज, ये हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट. ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें सेंटेंस में अपने सेंस के लिए या अपनी मीनिंग के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ. आई बॉट अ कार. अगर इस सेंटेंस में अ कार को मैं हटा दूं तो आई बॉट, बॉट यहाँ पे एक वर्ब है जिसे अगर मैं बिना ऑब्जेक्ट के रखती हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है. आई बॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा नहीं पता. पर जैसे ही अ कार जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे मैं जोड़ देती हूँ बॉट के साथ तो ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है. आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी. इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया. ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें सेंटेंस में अपने सेंस या मीनिंग के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये अपने साथ सेंटेंस में एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को साथ लेकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बेबी स्माइल्ड. तो यहाँ पे स्माइल जो है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है. ऐसे ही एक और सेंटेंस को हम लेते हैं द कार स्टॉप्ड. यहाँ पे स्टॉप जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसे अपने सेंस के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. गाइज जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होते हैं. अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? बहुत सिंपल तरीका है. अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव होगा. इट्स सो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स बुक. अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव हुआ. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल के साथ He reads well. तो यहाँ पे कोई direct object नहीं है. That means it's an intransitive verb. तो इतनी सी trick के साथ आप easily identify कर पाएंगे कि ये verb transitive है या intransitive. So guys, that's all for today. I hope आज का ये video आपको interesting लगा होगा. See you soon with another exciting and informative video. Till then, like, share my videos and also subscribe my channel English Winglish by Binita Verma.